हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सेशन में। आज हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी जो है उसका अगला पार्ट करेंगे। इससे पहले हम तीन पार्ट कर चुके हैं तो ये चौथा सेशन होने वाला है। प्रैक्टिस सेट 6 और 7 यानी कि पीएस 6 और 7 ओडब्ल्यूएस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ब्लैक बुक का, और ये 10 क्वेश्चन है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया, तो केवल वो क्वेश्चन जो कि अभी तक रिपीट नहीं हुए उनको ले रखा है। इसके बाद हम 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स के 20 वर्ड्स देखेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो जो रिपीटेड वर्ड है उनको देखेंगे। अगर आप बिगनर हो, अगर आपको अपनी वोकेबुलरी इंप्रूव करनी है, तो आप इस सेशन को पूरा देखो, वीडियो को आखिरी तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, वन हू हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, वो व्यक्ति जो किसी की मदद करता हो, जिसको मदद की जरूरत हो। तो वन, एक जो मदद करता है किसी व्यक्ति की इन नीड, जिसको जरूरत हो। तो चार ऑप्शन है आपके पास, मर्सिनेरी, वेटरन, सेमेरिटन और कोलेबोरेटर। एक एक करके देखना। मर्सिनेरी होता है मनी से रिलेटेड। मान लो कोई व्यक्ति है, अ पर्सन और सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ओनली बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज दैट कंट्री विल पे हिम, तो उसको बोला जाएगा मर्सिनेरी, ठीक है। नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अगर मान लो मैं बोल दूं आप मुझसे पैसों के कारण की वजह से जुड़े हुए हो, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ आप मुझसे पैसों के कारण के लिए जुड़े हो, तो मैं बोलूंगा आपका मर्सिनरी रीजन है मुझसे जुड़ने का। तो रीजन हो गया नाउन और मर्सिनरी हो गया एडजेक्टिव। इसके अलावा मर्सिनरी आपका नाउन भी होता है। वेटरन, अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया में बहुत सारा एक्सपीरियंस होने के बाद आप उसको बोलते हो वेटरन, अनुभवी, क्लियर। सेमेरिटन, ये है नेक आदमी जो किसी की हेल्प करता हो, जिसको जरूरत हो। और कोलेबोरेटर क्या होता है, कोलेबोरेट करना एक वर्ड होता है। कोलेबोरेट करने का मतलब होता है टू वर्क विथ समबडी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, किसी के साथ मिलकर कोई काम करना ताकि आप उसको अचीव कर सको। उसी को अचीव करने वाले को, मतलब जो वो काम कर रहा होगा उसको बोलेंगे कोलेबोरेटर। इसके अलावा कोलेबोरेट का एक दूसरा मतलब होता है अपने दुश्मन की मदद करना। मान लो मेरे ऊपर, मतलब मेरे देश पे किसी ने आक्रमण किया और मैं अपने देश के साथ गद्दारी कर उस दुश्मन की मदद करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, कोलेबोरेट कर रहा हूं, और मुझे बोला जाएगा कोलेबोरेटर। तो ये भी एक अच्छा वर्ड हो सकता था। सही ऑप्शन है आपका सेमेरिटन, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, सोल राइट टू मेक एंड सेल, सोल राइट टू मेक एंड सेल। अब यहां देखो एक ग्रामेटिकल एरर आ सकता था आपको, टू मेक है इसके बाद वर्ब की फॉर्म चेंज कर देता, वास्तव में टू की वजह से ही मेक है और टू की वजह से ही सेल है, तो ध्यान रखना। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, किसी इन्वेंशन को बेचने का जो सोल राइट होता है, मतलब एकमात्र अधिकार होता है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कॉपी राइट, पेटेंट, हियरलूम, इनहेरिटेंस। दो ऑप्शन तो पूरी तरह से बाहर है, हियरलूम और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब लिगेसी है ना, विरासत, द मनी, द प्रॉपर्टी, वट एवर यू गेट वेन समबडी डाई, जब कोई मर जाता है तो उसके बाद आप जो कुछ भी उससे प्राप्त करते हो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और हियरलूम क्या है, एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, कोई भी मूल्यवान वस्तु जो बहुत लंबे समय से किसी परिवार में रहता हो। जैसे मान लो कंगन है, दादी माँ को मिला, फिर मम्मी को मिला, फिर मेरी वाइफ को, फिर मेरी बहू को, तो ऐसे कर करके वो पूरे लंबे टाइम तक चलता है, तो दैट हैज बीन इन अ फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड हियरलूम, क्लियर। दो ऑप्शन है आपके पास, कॉपीराइट और पेटेंट। कॉपीराइट क्या होता है, देखो कॉपीराइट किसी म्यूजिक और बुक को पब्लिश करने के लिए होता है, जबकि पेटेंट होता है किसी इन्वेंशन के लिए सोल राइट। तो सही ऑप्शन होगा पेटेंट, कॉपीराइट मत बोलना। कॉपीराइट किसी म्यूजिक या किसी बुक को पब्लिश करने का या फिर ब्रॉडकास्ट करने का, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। थर्ड क्वेश्चन है, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। ध्यान रखना इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका कभी प्लूरल नहीं बनेगा, क्लियर। क्वेश्चन है, एक जगह जहां पे गन स्टोर की जाती हो या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट यानी कि हथियार यूज किए जाते हो, रखे जाते हो। एपीएरी, एवियरी, बहुत बार आया हुआ है तो इनको तो बताने की जरूरत नहीं है। वेयर बर्ड्स आर केप्ट एंड वेयर बीज आर केप्ट, तो वेयर बीज आर केप्ट दैट इज कॉल्ड एपीएरी एंड वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवियरी। तो ध्यान रखना एपीएरी, थोड़ा सा अगर भूल रहा हो तो एविएशन से ध्यान रखना, बर्ड्स के लिए होता है एविएशन, है ना, उड़ान से होता है, और बीज के लिए हो जाएगा एपीएरी। आर्काइव्स, अभी लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था हमने, आर्काइव होता है प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट, मतलब कुछ भी हो, दे आर केप्ट, मतलब वो सब रखे जाते हो, ठीक है। तो वो जगह या फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑल इज कॉल्ड आर्काइव्स। आर्सेनल जो है वो सही ऑप्शन है, आर्सेनल का मतलब होता है वो जगह जहां हथियार रखे जाते हैं, क्लियर। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक जगह जहां पे फ्रूट ट्रीज जो है वो होते हैं, तो उनके लिए क्या बोलोगे, गार्डन, फार्म, ऑर्चर्ड और प्लांटेशन, चार ऑप्शन है। इसमें से एक ऑप्शन देखो, फार्म जो है, फार्म क्या होता है, ए लार्ज पीस ऑफ एरिया, है ना, पीस ऑफ लैंड, मतलब अच्छा खासा जो जगह हो और वहां पे फसल उगाई जाती हो स्पेशली फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो उसको फार्म बोलते हो।
गार्डन आपके घर के पास होता है, उसमें फूल सब्जी सब कुछ उगाते हो तो वो गार्डन है। प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशन भी एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है जहां पे स्पेशली प्लांट लगाए जाते हैं ताकि उनसे लकड़ियां ली जा सके, या फिर किसी हॉट जगह पे, स्पेशली हॉट जगह पे कॉफी उफी उगाने के लिए जो लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है उसको प्लांटेशन बोलते हो। एक बार फिर ध्यान से सुनना, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड फार्म बोला जाएगा, है ना, स्पेशली फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए। और गार्डन जो होता है वो आपके घर के बगल में होता है, बिल्कुल घर में ही होता है कई बार, कि आप उसमें फूल सब्जी फल ये सब निकाल सको। प्लांटेशन होता है वो जगह जहां पे पेड़ों को उगाया जाता है ताकि उनसे लकड़ी निकाली जा सके, लकड़ी का यूज किया जा सके। और ऑर्चर्ड होता है वो होता है फलों का बगीचा, फ्रूट ट्री के लिए सही ऑप्शन होगा ऑर्चर्ड। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, मतलब अपने पुराने टाइम को देखना, पुराने टाइम के बारे में सोचना। ऑप्शन है आपके पास इंस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और रिट्रोस्पेक्शन। एक ऑप्शन नहीं लिखा है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वो है आपका सर्कमस्पेक्ट। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे सर्कमस्पेक्ट, इसी से नाउन फॉर्म बनता है, इसमें टी आई एन जोड़ दो सर्कमस्पेक्शन, इस टी को हटा के मतलब आई एन जोड़ दो केवल, तो बन जाएगा सर्कमस्पेक्शन। तो कमेंट बॉक्स में सर्कमस्पेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच और उसका मतलब लिखकर बताओ। चौथा ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है जगह नहीं होने की वजह से, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम। देखो इंस्पेक्ट करने का मतलब होता है एग्जामिन करना, मतलब बहुत क्लोजली वॉच करना, जांच करना, इंस्पेक्ट करना, उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा इंस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मलोकन, अपने खुद के बारे में सोचना। इंट्रो का मतलब होता है खुद के बारे में, तो इंट्रोस्पेक्शन जब अपने बारे में बैठ के अपने विचारों के बारे में आप सोचते हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। रिट्रो का मतलब होता है पास्ट, तो रिट्रोस्पेक्शन हो जाएगा बीती ही बातों के बारे में याद करना, जो कुछ भी बीत चुका है उसके बारे में सोचना कि वो सही था गलत था, जो भी आपके थॉट्स हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका रिट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है अ फिक्सियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। फिक्सियस समझते हो? ओयूएस लगा है, नेम आपका नाउन है और फिक्सियस आपका एडजेक्टिव है। एक तो ओयूएस सफिक्स लगा है, यहां से पकड़ लेते, और दूसरा आपने फिक्सियस वर्ड कहां सुना है? इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, याद आ रहा है? कहीं ना कहीं किसी नाटक में बचपन में सुना होगा, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। तो ऑल कैरेक्टर्स इन दिस सीरियल आर फिक्सियस, ऐसे करके बोला जाता था। तो फिक्सियस मतलब काल्पनिक, जो रियल नहीं है। तो एक फिक्सियस नेम यूज बाय एन ऑथर। ऑप्शन आपके पास होमोनिम। होमोनिम क्या होता है? जैसे मान लो एक वर्ड लिखा मैंने नो, अब बताओ कौन सा वाला मैंने बोला है, ये वाला ये वाला, यही पता ना। तो देखो होमोनिम होते हैं जब दो वर्ड के प्रोनाउंसिएशन या कई बार उनकी स्पेलिंग सेम होती है बट उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड होमोनिम। जैसे सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, उसी तरह होता है होमोनिम। एलिबी क्या होता है? एक प्रकार का साक्ष्य, एविडेंस दैट प्रूव्स दैट द पर्सन ऑन द सिचुएशन ऑफ क्राइम इज नॉट देयर, है ना, वो वहां पे नहीं था, वॉज नॉट देयर, इस तरह के। यानी कि वो साक्ष्य जो ये साबित करते हो या प्रूफ करते हो या ये बताते हो कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट या जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है उस टाइम पे वो वहां नहीं था, दैट इज कॉल्ड एलिबी। ठीक है, अब बचा आपके पास एनोनिमस और सिडोनिम। एनोनिमस जो होता है वो होता है अज्ञात, जैसे एनोनिमस कॉल आ रही है, मुझे धमकी आ रही है किसी की, मुझे नहीं पता, तो दैट इज कॉल्ड एनोनिमस कॉल। क्लियर? ओयूएस लगा एडजेक्टिव होगा। और सिडोनिम क्या होता है? सिडोनिम मतलब छदम नाम। छदम नाम मतलब वही जब ऑथर यूज करता है ऑफिक्सियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, तो दैट इज कॉल्ड सिडोनिम। तो सही ऑप्शन हो पाएगा सिडोनिम। नेक्स्ट हमारे पास वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो। देखो कॉर्पुलेंट और ओबीस का मतलब होता है बहुत फैट, मतलब बहुत ज्यादा कोई मोटा है, तो आप उसको फैट बोलने के बाद बजाय बोल दो यू आर लुकिंग कॉर्पुलेंट। क्लियर है? तो कॉर्पुलेंट आपका सही ऑप्शन नहीं हो पाएगा। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है बहुत मोटा, ओबीस भी मतलब होता है बहुत मोटा, बहुत रोटंड, बहुत ही हिस्ट पुष्ट तो नहीं कह सकते हो, ओवरवेट आप कहते हो, ओवरवेट मतलब फैट बहुत ज्यादा है। तो कॉर्पुलेंट, ओबीस और ओवरवेट ये सब एक ही सेंस में बन जाएंगे। सही ऑप्शन आपका हो पाएगा ग्लटर, बहुत ज्यादा पेटू। क्लियर? अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स। तो जो एनिमल स्किन्स होते हैं उनको साफ करके उनको रखने के लिए, है ना, तो दैट इज कॉल्ड, देखो डर्म से रिलेटेड होता है स्किन, तो ऑप्शन देखो टैक्सोनॉमी, एटोमोलॉजी और टैक्सीडर्मी। तो समझ में आ गया होगा, सही ऑप्शन टैक्सीडर्मी हो पाएगा, है ना। एक ऑप्शन नहीं लिखा है, बहुत नॉर्मल ऑप्शन था इसलिए नहीं लिखा है। टैक्सीडर्मी, डर्म लिखा हुआ, इससे डर्म का मतलब स्किन, डर्मेटोलॉजी आपने सुना होगा। तो टैक्सीडर्मी क्या होता है? जानवरों के स्किन को प्रिजर्व करने की जो प्रोसेस होती है, वो जो कला होती है, दैट इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। एटोमोलॉजी, ध्यान रखना एक वर्ड होता है एंटोमोलॉजी, सुना होगा आपने एंटोमोलॉजी, लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था। ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या होता है? तो एंटोमोलॉजी होता है कीट विज्ञान, और एटोमोलॉजी क्या होता है? शब्दों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, है ना, उसका जो विज्ञान होता है दैट इज कॉल्ड एटोमोलॉजी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? वर्गीकरण विज्ञान, मतलब जानवरों के उनके गुण के अनुसार या पौधों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, उनके
गुण के अनुसार, उनके जो भी क्वालिटीज है उनके अनुसार जब आप वर्गीकृत करते हो तो दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेपरेशन, मतलब इस तरह का सही ऑप्शन हो गया टैक्सिडर्मी। वन हु मेक्स एंड सेल्स, अब देखो यहां पे भी एरर हो सकता है, अगर आप बिगनर हो तो सीख सकते हो। वन हु मेक्स लिखा है, एंड के बाद सेल की जगह कुछ और लिख देता है, मतलब ऐसा नहीं लगाता तो गलत हो जाता, क्योंकि मेक्स भी वन के लिए है और सेल्स भी वन के लिए है। तो जो बनाता है और बेचता है स्वीट्स एंड पेस्ट्री, स्वीट्स और पेस्ट्री बेचने वाले को क्या बोलते हो, कोबलर, नहीं कोबलर तो जूता बनाने वाले को है ना। वन हु रिपेयर शूज, बार्बर जो आपके बाल बनाता है, और ग्रोसर, देखो एक वर्ड होता है ग्रोसरी, सुना होगा ग्रोसरी की दुकान जहां घरेलू सामान मिलते हैं तो उस पे बैठने वाले को बोलते हैं ग्रोसर। और कॉन्फेक्शनरी एक वर्ड होता है कॉन्फेक्शनरी, उसी से बना है कॉन्फेक्शनर, मिठाई बेचने वाले को या पेस्ट्री बेचने वाले को कॉन्फेक्शनर बोलते हो। कई बार ये स्पेलिंग करेक्शन में भी आएगा तो ध्यान रखना, CONFECTIONER कॉन्फेक्शनर, CONFECTIONER कॉन्फेक्शनर। जो आखिरी क्वेश्चन है, वन हु वॉक्स ऑन फुट, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि ये बहुत ही आसान ऑप्शन है, फिर मैंने रख दिया आपके लिए कि एक ऑप्शन आप बता दो आंसर में। बाकी इसके अलावा एक वर्ड मैंने पूछा था सर्कमस्पेक्ट, उसको बता देना। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। चलो अभी इसके बाद मैं इसको रफ करता हूं और फिर 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स से 20 वर्ड्स उनको देख, अभी स्टार्ट करते हैं 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। तो ये जो 200 सबसे ज्यादा रिपीट किए हुए वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स 4 से ज्यादा बार आ चुके हैं, ध्यान रखना ये सभी वर्ड्स 4 से ज्यादा बार आए हुए हैं। और अगर आप उस आपके पास वो बुक है तो 60-81 वाले ये बुक है, 200 मोस्ट रिपीटेड OWS है ना, वन वर्ड है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पहला वर्ड है हमारे पास फेटल। फेटल क्या होता है, अगर आपका फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, अगर किसी का फेटल एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मान लो किसी को कैंसर हो गया तो, और वो आखिरी स्टेज में, तो आप बोलोगे कि इसको फेटल बीमारी हो चुकी है, मतलब श्योर है लगभग कि ये मर जाएगा। तो फेटल एक्सीडेंट, फेटल बीमारी, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगला वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है एक पूरे जाति को ही मार देना, एक पूरे समुदाय को ही, एक पूरे वर्ग को ही खत्म करना, द मर्डर या फिर अ मर्डर ऑफ होल रेस, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि मर्डर के लिए बोला जा रहा है। अगला वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रिएक। देखो स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है हाइपोकॉन्ड्रिएक, अगर तोड़ना हो तो ऐसे तोड़ो, हाइपोकॉन्ड्रिएक। अगर आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग याद करनी हो तो आप, मतलब मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि आप उस स्पेलिंग को तोड़ लो, हाइपोकॉन्ड्रिएक, दो चार बार लिखोगे, लिखने से स्पेलिंग याद होती है और कई बार पढ़ने से। तो हाइपोकॉन्ड्रिएक में एक बीमारी होती है हाइपोकॉन्ड्रिया, देखो ये बीमारी होती है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आप हर समय अपने हेल्थ के बारे में सोचते रहते हो, है ना, यू आर वरीड ऑल टाइम अबाउट योर हेल्थ, मतलब एवरी टाइम, है ना, जब भी होता है तब आप अपने हेल्थ के बारे में सोचते रहते हो। कई लोग होते हैं अरे मैं, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो बीमारी हाइपोकॉन्ड्रिया बोली जाती है और उस पर्सन को हाइपोकॉन्ड्रिया बोला जाएगा, वो पर्सन क्या बोला जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रिया। फिर एक वर्ड है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट वन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड बट एक्चुअली ही डज नॉट हैव, तो उसको बोला जाएगा हाइपोक्राइट, वो व्यक्ति जो ये बहाना करता हो कि उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है नैतिक तौर पे, है ना, बहुत ही मोरल स्टैंडर्ड है, बहुत ही गुणवान है, बहुत ही नैतिकतावादी है, बट वो एक्चुअल में है नहीं, तो बहरूपिया है, पाखंडी है, इंपोस्टर है, तो हाइपोक्राइट। कोई चीज अगर आपके एक्सिस में है तो वो आपके पहुंच में है, अगर कोई चीज आपके एक्सिस में नहीं है तो दैट इज कॉल्ड इनएक्सेसिबल। क्लियर है, इनएक्सेसिबल का मतलब जो चीज आपके पहुंच से बाहर हो, है ना, आपके रीच से बाहर हो, तो वो इनएक्सेसिबल है, एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर एक वर्ड है इनक्रेडिबल। अच्छा ये आगे की दो तीन वर्ड कई बार आ चुके हैं, ये चारों वर्ड कई बार आ चुके हैं। इनक्रेडिबल स्टोरी है, लेकिन मैं फिर भी बोल दे रहा हूं ताकि आप इसको ध्यान रख पाओ। इनक्रेडिबल स्टोरी कॉन्टेक्स्ट भी बता रहा हूं कि अगर कोई कहानी डिफिकल्ट टू बिलीव है दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल स्टोरी। तो स्टोरी हो गया नाउन, इनक्रेडिबल हो गया एडजेक्टिव। फिर हमारे पास है इंडिफेटिगेबल। इंडिफेटिगेबल का मतलब क्या होता है, इंडिफेटिगेबल मतलब न थकने वाला। जैसे अभी सुशांत मामले में कई लोगों की जो खोज थी, जो लोग सच जानना चाहते थे, न थकने वाले हो चुके थे, तो इंडिफेटिगेबल सर्च मान लो बोल दिया, इंडिफेटिगेबल सर्च ऑफ द ट्रुथ, तो सर्च हो गया नाउन और इंडिफेटिगेबल आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, न थकने वाला। इनफॉलिबल मेथड है सर आपका शब्दों को याद करने का, वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट को समझ कर याद करने का, ये जो मेथड है इनफॉलिबल, जो फेल ना हो, जो चूके ना, जो गलती ना करे, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इनफॉलिबल मेथड है। इनसोमनिया एक बीमारी होती है जिसमें आपको हर समय क्या होता है, नींद आता रहता है ना, सॉरी नींद ना आने की बीमारी, दैट इज कॉल्ड इनसोमनिया। इरिवोकेबल, एबीएल लगा हुआ है तो सफिक्स के तौर पे एडजेक्टिव होगा। इरिवोकेबल अपरिवर्तनीय, अगर ये दिख ना रहा हो सब तो स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है, मैं यहां लिख रहा हूं,
IRREVOCABLE इरिवोकेबल अपरिवर्तनीय, ध्यान रखना डबल आर की वजह से स्पेलिंग करेक्शन में कई बार आता है। अगर इरिवोकेबल लॉज है ना, मान लो कोई नियम कानून फैक्ट लॉ कुछ भी है, तो आप कह सकते हो इरिवोकेबल है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। मिसएंथ्रोप, मिसो का मतलब होता है घृणा करना, एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव जाति, तो मानव जाति से घृणा करने वाले को वन हु हेट्स, मतलब जो भी समुदाय है मानव जाति या पर्सन है वन हु हेट्स पर्सन, तो आप उसको बोल सकते हो मिसएंथ्रोप, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। मर्सिनरी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मर्सिनरी रीजन से आप मुझसे जुड़े हुए हो, या कोई सोल्जर जो मर्सिनरी रीजन की वजह से चला जाता है दूसरे देश में लड़ने के लिए, तो उस सोल्जर को भी बोला जाएगा मर्सिनरी। तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है ये, मर्सिनरी नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान रखना। फिर हमारे पास न्यूमिसमेटिक्स, जब भी आईएसटी लगा हो ना सफिक्स के तौर पे, पक्का वो पर्सन को ही बताएगा, नाउन में भी किसको, पर्सन को, वो व्यक्ति जो सिक्कों को संग्रह करता है और उनके बारे में अध्ययन करता है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एंड मेडल्स इन ऑर्डर टू स्टडी देम, तो उसको बोला जाएगा न्यूमिसमेटिक्स। ऑक्टागन एक प्रकार का शेप होता है जिसकी आठ भुजाएं होती है और आठ एंगल होता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्टागन। ऑलिगार्की ये एक प्रकार का शासन होता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी, उसी तरह से ऑलिगार्की थोड़े से लोगों का शासन, थोड़े से लोगों का शासन, जहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल को दे दिया गया होगा अधिकार, पावर दिया गया होगा, अथॉरिटी दी गई कि आप शासन करिए, तो ऐसी शासन व्यवस्था को आप ऑलिगार्की बोलते हो। अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट, आईएसटी सफिक्स लगा है, पक्का नाउन होगा। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी होना, अगर मैं ऑप्टिमिस्ट हूं तो मैं कैसा हूं, आशावादी हूं। पेसिफिस्ट आईएसटी सफिक्स लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। पेसिफिस्म होता है शांतिवाद, मतलब कि वॉर ना हो, युद्ध ना हो, लड़ाई ना हो, अगर मैं पेसिफिस्ट हूं तो मैं चाहता हूं किसी भी बात के लिए लड़ाई ना हो, सभी लोग शांतिपूर्वक रहे। गांधी जी एक पेसिफिस्ट व्यक्ति थे, मतलब पेसिफिस्ट थे, मतलब व्यक्ति नहीं बोलोगे उनको, डायरेक्ट पेसिफिस्ट बोलोगे, क्योंकि वो शांतिवाद थे, शांति दूत थे, शांति को मानने वाले थे। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट क्या होता है, तो बहुभाषी, पॉलीग्लॉट, जैसे आप किसी व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हो, जो व्यक्ति जो है बहुत सारी भाषाओं को जानता हो लिखना, जैसे चार्ल्स सोबराज आपने सुना होगा कि वो पॉलीग्लॉट था, पॉलीग्लॉट मतलब बहुभाषी था। रेटिसेंट न बोलने वाला, बहुत चुप्पा, ये सब एडजेक्टिव है, ठीक है, रेटिसेंट सेकुलर भी एडजेक्टिव है आपका। देखो रेटिसेंट का मतलब होता है अगर मैं अपने पर्सनल मामलों को लेकर रेटिसेंट हूं, मतलब मैं उन मामलों पे बातचीत नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उन मामलों को कोई नहीं जाने। अब बोलो मैं अपने भाई से बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो अपने प्राइवेट मैटर्स को लेकर, जो भी उसके पर्सनल मैटर्स होते हैं उनको लेकर बहुत ही क्या है, रेटिसेंट है, तो मैं उससे कुछ नहीं कह सकता हूं। रेटिसेंट मतलब बहुत ही चुप रहने वाला, बहुत ही शाई कह सकते हो एक तरह का। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, जहां धर्म से रिलेटेड बातें ना हो रही, मतलब धर्म किसी धर्म को बहुत ज्यादा तवज्जो ना दी जा रहा हो, तो सेकुलर। क्लियर हो गया, इस सारे वर्ड आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। सेशन अगर बढ़िया लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन बता देना। नेक्स्ट सेशन में फिर हम इसी तरह मिलते जाएंगे, ऐसे ही आपकी सेशन कवर होते जाएंगे, 200 मोर रिपीटेड वर्ड और फिर जो भी प्रैक्टिस सेट है सारा कवर कर लेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को बहुत बहुत